अम्मी फोन बंद करें प्लीज। ओके मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये सब कुछ क्या है मेरे कमरे में, इतने खिलौने क्यों सजे हुए हैं? वलीद का शौक है कि जब फातिमा इस घर में आए तो उसका कमरा खिलौनों से सजा। अम्मी अगर अबू का इतना ही शौक है तो प्लीज मेरा और फातिमा का कमरा अलहदा कर दें। मुझे सब कुछ अपने कमरे में पसंद नहीं है, सारी चीजें बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। कान्या, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ अम्मी, ये कोई गुड्डे या गुड़िया की शादी थोड़ी हो रही है, हमारी उम्रें देखें। किन तुम्हारे अब्बू? अम्मी अब्बू तो फातिमा को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो बहू बन के नहीं आ रही बल्कि यहाँ पे जन्म लेने वाली है। खुशी का मौका है बेटा। अम्मी खुशी का मौका है? मेरे कमरे में खिलौने ऐसे सजाए जा रहे हैं जैसे कोई नन्हा मेहमान आने वाला हो, मेरी शादी ना हो रही हो। तुम्हारी हानिया से बात हुई है? हानिया की अम्मी से बात हुई थी मेरी, मुझे कह रही थी कि हानिया मेरे लिए खुदकुशी करने लगी है, जहर खाने लगी है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो अपनी जान दे देगी, और वो शादी कर रही है। ये भी कह रही थी कि हाँ बोलो, खामोश क्यों हो गए? अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। दानियाल, अगर आइंदा तुमने सायरा से कोई रابطہ किया तो मेरा मुंह ना देखना, समझे? अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि सायरा आंटी का इस पूरी कहानी में क्या किरदार है, क्यों आप अब्बू और हानिया मुझे उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं? कुछ तो होगा, लेकिन तुम्हें खोज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना सारी जिंदगी रोते रहोगे। भाग्य दे दानिया, क्यों खुद अपनी बर्बादी को आवाज दे रहे हो सायरा से रابطہ करके? बेटा प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती। अरे अम्मी क्यों मुझे गुनाहगार कर रही है? अपनी जबान को लगाम दो हानिया। अम्मी खुदा के लिए आप मेरा पीछा छोड़ दें। अगर आपने दानियाल के घर पर बात करने के लिए कांटे बिछाए तो वही कांटे आपके दिल में चुभेंगे। आपने अगर दानियाल को उसकी बीवी से बदगुमान करने की कोशिश की तो तुम्हें उसके होने वाली बीवी से इतनी हमदर्दी क्यों है? हानिया किसी और लड़की की वजह से तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दानियाल अगर तुमसे इस कदर मोहब्बत करता है तो उसका फायदा उठाओ, उसके बाद तुमसे शादी करेगा। वो लड़की कौन है इसकी परवाह मत करो, अपना फायदा देखो। मैंने आपसे कहा है ना, अगर आप दानियाल की बीवी के लिए बुरा सोचेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा होगा, ये याद रखिएगा। दानियाल